हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। तो गाइस, आज का ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने गांव में अपनी दादू और दादी के साथ। तो वो आए हुए थे इधर हमारे घर, मैंने सोचा मैं भी उनके साथ चली जाऊँ चक्कर लगाऊँ। तो आज मैंने फिर से फुल ब्लैक सूट पहना हुआ है, साथ में ये हैवी सी चुन्नी रखी हुई है। तो लेकिन ये संभालने नहीं हो रही, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। तो संभालने तो आपको पता ही हैवी डुपट्टे मेरे से होते ही नहीं है संभालने, लेकिन मैं फिर से ये रख के जा रही हूँ, पता नहीं मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है। तो गाइस, अभी मैं निकलने लगी हूँ और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9 बजे। गाइस, इतने जल्दी जा गई हूँ मैं, मतलब 12-1 बजे जागने वाली ना, आज 9 बजे उठ के रेडी हुई हुई है। तो गाइस, मैंने अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया, अभी मैं सिर्फ निकलने लगी हूँ। और प्लीज़ यार, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया, यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो अपना लोकेशन पर जाकर मिलते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइस, अभी ना मार्केट में पहुँच के ये मेरे दादू आगे जा रहे हैं। अभी ना मेरी दादी ने कुछ बर्तन वगैरह लेने थे और मैं भी उनके साथ एक शॉप पर आ गई हूँ। यहाँ पे मुझे ना ये छोटा सा लोटा यार इतना अच्छा लग रहा था ना, पता नहीं क्यों मुझे सारे ये छोटे छोटे बर्तन बड़े ही अच्छे लग रहे थे। तो एक ये छोटा सा ग्लास था और ये छोटा सा तामिया साथ आ रहा था ना, इसके किस काम का था मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये लग बहुत ही क्यूट थे। अभी ये यार गाइस, यहाँ का व्यू देखो, इतना मज़े का ना, हमें पहुँच के। हेलो गाइस, फाइनली मैं ना गाँव में पहुँच गई, अभी हम रास्ते में से जा रहे हैं और गाइस बहुत ज़्यादा थके, मैं अभी आपको यहाँ का व्यू बताती हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है जी। गाइस, यहाँ का व्यू चेक कर लो पहले, कितना मज़े का, मतलब हरा भरा पूरा गांव। तो अभी घर पहुंच के फिर मिलते हैं, ठीक है गाइस। पहुंच तो हम गए थे गांव में, लेकिन यहाँ का इतना गंदा वाला रास्ता ना यार, मैं क्या बताऊँ, मक्की, कीचड़, घास, बड़े बड़े पेड़, इनमें से निकल के जाना बहुत ही मुश्किल हो, मेरे पाँव इतने गंदे हुए हैं ना। तो पता नहीं मैं कब पहुँचूँगी, मेरे साथ में दादा दादी तो वो पहुँच भी गए और मैं यहाँ भी फंसी हुई हूँ अभी, यहाँ इधर ही। गाइस, यहाँ पर बड़ी बड़ी मक्खी है और इनमें से मैं कैसे निकल के जाऊँ। गाइस, मुझे वापस जाने का मन कर रहा, मुझे नहीं आना। यार इतनी बड़ी बड़ी मक्खी और इसमें से खैर यहाँ से निकलना ना बहुत मुश्किल है यार, तो मेरी बाजू पे लग रही है, उफ कीड़े पता नहीं क्या यार मेरे मुंह पे लग रही है ना। गाइस, अगर अपनी सेहत का बड़ा चाहते हो ना, इसमें महीने में इस मौसम में कभी गांव में मत आना यार, मैं तो पछता रही हूँ इधर आके अभी। यार इतना गंदा रास्ता यार मेरे मुंह पे लग रही है गाइस। कल मैं यहाँ से निकलती हूँ, फिर बाद में, ठीक है बाय। देखो आइसक्रीम लेने के लिए आ गया क्या, मैं आनी नहीं, आइसक्रीम आई नहीं, नहीं है मेरे को आइसक्रीम, सच में नहीं है। पहले सलाम कर, पहले सलाम कर, एक मिनट रुक जा, सलाम कर पहले। दुवी दीदी नहीं आई, दुवी नहीं आई, मैं कल ही आई हूँ। खोल दे पहले, खोम नहीं आनी, आइसक्रीम आनी है, खा। खोल दे पहले, खोल मैं देती हूँ। तो फाइनली गाइस, मैं ना घर पहुंच आई हूँ इतने गंदे वाले रास्ते से, यार मैं क्या बताऊँ, मेरे मुंह की बुरी हालत हो गई, वो मक्की की पत्रियाँ सी लगी ना मेरे मुंह पे, वो कुछ अजीब सा हो रहा, खारिश सी लग रही है मेरे को, और बाजुओं पे भी बुरा हाल हो रहा है यार। गलती की यार मैंने, इस मौसम में आने नहीं था, मुझे क्या पता था मक्की इतनी बड़ी बड़ी होगी और वहाँ से चलना भी मुश्किल हो रहा है, और पाँव की तो बुरी हालत हुई हुई है गारे से और कीचड़ से, उफ यार मैं क्यों आई थी। तो अभी गाइस, मैंने ना बूटा लाया था, वो मैं आपको बताती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस, मैंने ना उधर से बूटा लाया था, अब इसको खाते हैं बैठ के, यार कि ना मज़े का लग रहा है, मेरे को वेट नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इसको कब जल्दी जल्दी खाऊं, फिर मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस, मैं ना अभी चाय पीने लगी हूँ, ये देखो प्याली में, बहुत दिनों के बाद प्याली में चाय पीने लगी हूँ, पहले मैं कप में पीती थी, आज देख लो प्याली में पी रही हूँ। तो गाइस, अभी मैं खाना खाने लगी हूँ, खाने में मक्की की रोटी साथ में लस्सी, ये कोई सब्जी है पता नहीं कौन सी, मुझे समझ में नहीं आ रही है, अभी मैं खाती हूँ फिर बता, मिलते हैं बाद में, ठीक है। गाइस, मैंने ना अभी खाना खा लिया और मैं, मुझे कॉल करनी थी इसलिए वहाँ पे नीचे ना नेटवर्क नहीं आ रहा था रूम वगैरह में, इसलिए मैं छत पर आ गई हूँ और यहाँ का व्यू मैं अभी आपको चेक कराती हूँ। गाइस, इतना मज़े का व्यू आ रहा है, इतना मज़े का मौसम है ना यहाँ पे कि क्या बताऊँ मैं यार, यहाँ पे ना सब कुछ ठीक है लेकिन नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो
देखो पीछे बैल वगैरह बांधे हुए और मैं यहाँ पे बैठी हूँ यहाँ के छत पे। गाइस अभी मैं यहाँ का आपको व्यू चेक कर दूंगा। गाइस मेरे हाथ पे किसी चीज ने काटा, पता खारिश लग रही है यार, ऐसे कौन खारिश करता है पागल। तो मैं आपको यहाँ का व्यू बताती हूँ, फिर मिलते हैं ठीक है। ये लो जी यार गाइस यहाँ का व्यू देखो कितना मजे का आ रहा, हर तरफ मतलब हरियाली हरियाली छाई हुई है, बहुत मजे का मौसम है गाइस। यहाँ पे चिड़िया ऐसे चहक रही है ना कि बस इन्हें सुनते रहो, देखना अब बंद हो गई है यार। तो यहाँ से चारों तरफ का व्यू ना एकदम मतलब बहुत मजे का है गाइस। अब ना थोड़ी देर बाद मिलते हैं ठीक है। ये देखो गाइस यहाँ पे ना बकरी बांधी हुई है, वो घास खा रही है पीछे हट, ये दूसरे को दिखाने ही नहीं दे रही यार। अच्छा बड़ा जोर है इसमें, चल। तो गाइस मैं अभी फिर से ना छत पे आई हूँ और मैंने अभी पहले आपको व्यू भी बताया यहाँ का कि शाम को किस तरह का व्यू हो रहा है। गाइस अभी ना मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा तंग भी हो रही हूँ। मेरे छोटे छोटे कज़न थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है, मतलब इतनी ज़्यादा शरारतें कर रहे थे हद से ज़्यादा, और मुझे इतने शोर की आदत नहीं है। यहाँ पे आके मैं थोड़ा तंग भी हो रही हूँ, थोड़ा मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे। तो बस अभी आज का ब्लॉग में यही एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ठीक है। गाइस पूरा ब्लॉग देख लिया ना, तो अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर को बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ठीक है।